अवाम को दिया, द्वारा पहुंचाए, गवर्नमेंट को चाहे, और इलेक्शन कमीशन को चाहे, किस प्रेसिडेंट अफसर को बुलाया, मेरे प्रेसिडेंट अफसर को फिर बोला है कि मुझे नहीं किया अपना है, रात 10-11 बजे तक इन लोगों ने मेरे रिजल्ट को बिठाए थे। जी शुरू कर। सबसे पहले तमाम मेरे आजाद प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सबका मशहूर हूँ। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए 45 के हवाले से जो 8 फरवरी को पूरी मुल्क में इलेक्शन था, इसी तरह के भी 39 में भी इलेक्शन का जो प्रोसेस था, इससे मेरे लड़के के जो गरीब लोग जो लाचार बेबस इंसान हैं आज बहुत मुतासिर हैं। यकीनन हम प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए नहीं करते हैं कि हम किसी कैंडिडेट के खिलाफ बात करें, लेकिन हमारे हक पे खासतौर जो प्रेसिडेंट अफसर है, मैं इसके हवाले से थोड़ा आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैंने खुद अपनी आंखों से देखा और मेरे साथ मेरे एजेंट्स जिस पोलिंग में आप पोलिंग में मेरे एजेंट्स थे जो मेरे साथ 45 का जो वादा किया था इस मुल्क में इस मुल्क के आइन इलेक्शन कमीशन का जो आइन था वो 45 के लिए मेरे एजेंट ने जितना भी कोशिश किया किसी को नहीं मिलाया। 10 पोलिंग का जो मुझको पावा मिले है जरफू का खासतौर पर और क्रियाल मास का, उस पर शरीफ खान जी खुद सारे पोलिंग में जीत गया है और वहाँ पे कोई हमसे लीड नहीं था, लीड हम लोगों का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार था, लेकिन बदकिस्मती है जहाँ पे मेरा खासतौर पर यूनिट्स ज़्यादा थे और जहाँ पे मेरा वोटर्स ज़्यादा थे जो लाइन में खड़े थे 100-100 बंदे 200-200 बंदे, वो जब अंदर जाता था पर्ची साथ लेकर प्रेसिडेंट अफसर को दिखाता था कि मेरा वोट, प्रेसिडेंट अफसर उसको कहता था कि आपका वोट नहीं है, ये बेचारा इधर से निकलता था फिर दूसरे पोलिंग पे जाता था, उधर लाइन में खड़ा होता था फिर उधर वो कहता था प्रेसिडेंट अफसर के द्वारा कि आपका वोट नहीं है, बंदा तक जाता था बुजुर्ग लोग से विदेश लोग वो बेजार होते थे घर जाते 50% हमारे यहाँ के लिए एक पोलिंग पे 4000 वोट है 4000 वोट में वहां पे 600 वोट का स्कोर है। लाइन जो सुबह से खड़ी थे शाम 5 बजे हमने ऐसा कभी नहीं महसूस करना, ये इलाका में देखा कि इसराइल ने 400 बंदों से कम करे 400 तो 5 बजे तक 400-500 बंदे जी लाइन में खड़े थे और वहां पे जो इंतजामिया था वो बिल्कुल खामोश। हम उधर रिक्वेस्ट करते थे कि बड़े लोगों को थोड़ा जल्दी छोड़े ताकि वो अपना राय पास करे, इस मुल्क की आवाम के लिए इतना करबों अरबों का खर्चा किया कि वो अपना राय से अपना खालिम और चपरासी का पैसा लगाए अपने इलाके के लिए, तो उस लोगों ने इतना जुलम किया कि 3 लाख के बदले में प्रेसिडेंट अफसर 2 लाख के बदले में मेरे इलाके के गरीब आवाम का हुकूक का सौदा किया। वहां पे मेरे गरीब आवाम ने बिल्कुल वोट तक खास नहीं किया, कोई अंदर जाता था वोट खास करने का मौका नहीं मिलता। मैं खुद गया पोलिंग के अंदर 2 क्वेश्चन है, ऊपर भी पोलिंग नीचे भी पोलिंग, नीचे वाले के पास मैं गया मैं बोला आप लोग क्यों ऐसे आराम से बैठे 1200-1300 बंदों का रहने लगे, बोलता है 300 बंदों का वो घेरे में ला 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 मोहम्मद सलाई के पास किया। मैंने बोला आपको पता कैसे चला कि भाई जो 300 बंदे खड़े वो इन लोगों का वोट नीचे में वो क्या कहता तो ऊपर इन लोगों का वोट है ऊपर पोलिंग का 2 क्वेश्चन था यानी ऊपर पोलिंग में बिल्कुल और साहब
प्रेसिडेंट आसर को भी पेश करें, कैंडिडेट्स को भी पेश करें और आने सामने ये सब कुछ मालूम हो जाए कि उसका जिम्मेदार कौन है। इंशाल्लाह मैं यकीन से कहता हूं कि प्रेसिडेंट आसर ने जितना जुल्म इस मुल्क के साथ किया, खासतौर जो 39 के आवाम के साथ किया, मैं इसको अल्फाज में बयान नहीं कर सका। और इंशाल्लाह मैं जहां तक जा सकता हूं जितना मेरा बस होगा इंशाल्लाह मैं प्रेसिडेंट आसर के खिलाफ उस वक्त अगर कल नोटिफिकेशन भी मेरे हाथ में आ जाए फिर भी मैं प्रेसिडेंट आसर का एहतसाब करूंगा कि क्यों मेरे आवाम को इतना ख्वार किया, उसको आप लोग देने का आप लोगों ने हक नहीं दिया। तो आखिर में आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, अल्लाह करे कि इंशाल्लाह हमको सच का पैसा ना जाए। शरीफ साहब जो आप प्रेजेंटिंग ऑफिसर से मुतलिक बता रहे हैं ये काम आपके वहाँ पे पहले एजेंट का होता है कि वो उनके पास बुक भी होता है वोटर नंबर खानदान नंबर वगैरह जो लिस्ट होता है तो वो क्यों जब पोलिंग बूथ के अंदर आने वाला वोटर है वो उसको बाहर जाने क्यों दे रहे थे, क्या वहाँ पे आपके एजेंट बेबस थे या वो प्रेजेंटिंग ऑफिसर के साथ मिले हुए थे। सेकेंडली आपने जो कहा कि फॉर्म 45 एक डायरेक्शन है 2017 के तहत फॉर्म 45 प्रेजेंटिंग ऑफिसर का इसमें जिम्मेदारी और पोलिंग पोजिशन से पूरी एजेंट बगैर फॉर्म 45 के लिए वो वहाँ पे तो ये बात है। मैं सर अभी भी पाप पड़े हैं मेरे पोलिंग एजेंट कुछ लोगों ने क्या बोला मेरे साथ थ्रू पड़ा है, उनने दो काम दिया है कि जाओ खुद बात कर दो खुद साइन करो जिन नारों का ब्लॉक लिखते हैं उसमें उसको बोला है कि जालिम आप इसमें खुद लिखो जो रिजल्ट जिसका है वो लिखो, उसने वो नहीं लिखा है। मेरे प्रेसिडेंट आप सब ऊपर बोला है कि मुझे लिख दिया फलाना है रात 10-11 बजे तक इन लोगों ने मेरे रिजल्ट को बिठाए थे और एजेंट्स मेरे गाल के सिजबोर्ड में वो पाम भी पड़े पाम 45 दोनों पाम की 45 दिया है बोलता है कि वो आप लोग बात कर दे आप लोग खुद बात कर दे यार ये मुल्क है इसमें कानून नहीं है किया है कितना दे रहा है इस बंदे के रिसाव अभी कौन करेंगे तो ये इदारे करेंगे वो साथ करेंगे इलेक्शन कमीशन करेंगे हम ना तो बेबस है हम लोग की दर्जा है हमने यह आवाज जा तक लाया कैसे
जिस तरह एक तो सारे इलाकों में नेटवर्क नहीं था, नेटवर्क की वजह से भी इस बहुत अलग खराब हो गया। दूसरी बात यह है कि हम लोगों ने सिर फिर संभाला कि मैं खुद बोलिंग के अंदर गया, प्रेजेंटिंग डॉक्टर से रिक्वेस्ट किया है बोलिंग में कि वायर वायर ठीक सच्चा सा बदल गाइडलाइन करें और एक बुजुर्ग लोगों से विदेश में तो शॉर्ट कब तक इंतजार करें। आप लोगों का अलहमदुल्ला पहले की तरह नहीं क्वेश्चन ज्यादा है, प्रेजेंटिंग डॉक्टर ज्यादा है, पहले तो एक क्वेश्चन पे 4000 वोट होता था, अभी हर क्वेश्चन पे 12000 वोट होता था, 1200 से 1400 वोट का अंतर है। पार्टी के तर्जुमान ने यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो तो इलेक्शन से काफ़ी मुतमईन दिखाई दे रहे थे और वज़ीर आला भी बनाने के जो है बातें कर रहे थे। दूसरा ये कि जो आप खदशात का इजहार कर रहे हैं, जहाँ से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार जीत चुके हैं खासकर सरयाब में, वहाँ के उम्मीदवार भी दूसरा यही खदशात का इजहार कर रहे हैं, उनके साथ तो फॉर्म नंबर 45 भी सारे मौजूद है जहाँ पर वो कह रहे हैं कि ये वोट कास्ट हुए जबकि नतज तब्दील किए गए, क्या आप उनकी भी मुतालबे की हिमायत करते हैं? तो फिर सारे हलकों का रिजल्ट शो क्यों हुआ? मेरा एलके का नोटिफिकेशन ने खुद किया है कि सारे का नोटिफिकेशन रुकवा। इस बात में आप लोग आगे खुद सोचे, पूरे बलूचिस्तान में एक ही हल्का है कि 42 जो उसका नोटिफिकेशन आरओ ने खुद किया है कि इसमें कुछ है रिजल्ट रुकवाया, आप सबको पता है या नहीं है पता? और किसी हल्के का आरओ ने नोटिफिकेशन नहीं किया सिर्फ मेरे, तो इसका मतलब ये मेरे बात नहीं करते ना, मैं इलेक्शन कमीशन के इल्जाम लगाता हूँ, मैं जो आज इल्जाम लगाने आया हूं या मैं किसके खिलाफ आया हूं, प्रिजिडिंग अफसर जो मेरे प्रिजिडिंग अफसर थे, जो 100 बंदे 100 बंदे 80 बंदे जितने भी है, उन लोगों ने सरकार किया मेरे लड़के का, उन लोगों ने 2-3 लाख के बदले में जिस चीज को इसी पोस्ट पे लगाया था, मेरे को मतलब प्रिजिडिंग अफसर को बुलाए उनसे बहुत बड़ी पहले हो जाए और इन कैंडिडेट से वो पूछे कि किया क्या सबूत आप लोगों के साथ बड़े वहां पे सब कुछ मालूम होगा कि प्रेसिडेंट अफसर गलत है या कांग्रेस गलत है। तो आपकी पार्टी वाले एहतजाज के बजाय क्यों अभी तक वो तो खुशी मना रहे थे वजीर आला बनाएंगे, वो क्यों आप लोग साथ नहीं? मेरे पार्टी का है हम तो गवर्नमेंट बनाएंगे बलूचिस्तान में, हमारा कोशिश ये है पूरे पाकिस्तान में गवर्नमेंट बनाए, पार्टी का जो जो भी कैंडिडेट छोटा से निकला उसको मुबारकबाद पेश करते हैं, लेकिन हमारा खर्चा बढ़िया पूरे पाकिस्तान में नहीं है, पूरे बलूचिस्तान में नहीं, खर्चा जो है आगे का भी उसी आगे है, हमारा भी उसी आगे पे खर्चा है, हमने नहीं किया है, अगर हमारे साथ सुबह नहीं कर आगे का पता नहीं कर दिया हमारा जो ये निजा जो वो निगम नहीं था तो फिर आगे साहब ने कल उसको दूर रुकवाया। आपने खुद अभी सोच अला ने आपको मैंने दिया है सोच दिया है सबका हुआ है सबका एक ही है वही हुआ है, आपको पता है सिर्फ मेरे हल्के का जो बिल्कुल मुतालिस था उसको किसने रुकवाया है, क्यों रुकवाया है, क्या वजह है, रिजल्ट है ये बात है। आदम